जय भीम जय भारत। आप सभी के लिए एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज एसएस किचन लेकर आई है आपके लिए पनीर और पालक की सब्जी। तो दोस्तों देखते रहिए पनीर और पालक की सब्जी कैसे बनाई जाती है कुछ स्पेशल तरीके से। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो पालक। पालक को मैंने बाउल पानी में डाला था और उबाल कर मैंने मिक्सी से पीसा है इसे, तो एक कटोरी निकल कर आया है। और हमने यहाँ पे लिए 2 प्याज मीडियम साइज के, 2 टमाटर मीडियम साइज के। तो हमें टमाटर का मिक्सी में डालकर इसकी पेस्ट बनानी है, प्याज का भी पेस्ट बनाना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टमाटर का पेस्ट है, ये प्याज का पेस्ट है, हमने मिक्सी में डाल के इसे बारीक कर लिया है। मैं इस वीडियो में आपको पालक के फायदे बताने वाला हूँ, वो भी लास्ट में बताऊंगा। अभी हम जब तक वीडियो को पनीर और पालक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे छोटी वाली कढ़ाई ली है, वो मैंने गैस पे रख दी है, इसे ऑन करता हूँ। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला 1 चम्मच सरसों ऑयल डाल दिया है, इसे मैं गर्म होने तक वेट करूंगा। हेलो दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें अब जीरा डालूंगा, थोड़ी सी प्याज डालूंगा। मैंने इस टाइप की काटी है, मीडियम नहीं काटी है मैंने, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्ची का डालूंगा, 2 बारीक कटी हुई। फ्लेम को स्लो ही रखना है और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। अब मैं डालूंगा प्याज और प्याज का पेस्ट, और अब मैं डालूंगा टमाटर का पेस्ट। इसे मैं पकने दूंगा 2-3 मिनट के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच पनीर का पाउडर लिया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगा, मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगा लहसुन की कलियां 3 से 4 कटी हुई बारीक। फ्लेम को हम मीडियम पे रखते हैं, इसे अब हम मिक्स करते हैं। मैं ओनली 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ पनीर पालक। हेलो दोस्तों हमारा मसाला बन पक कर तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगा पालक, पिसा हुआ पालक मैंने डाल दिया है। इसे बॉल करके मिक्सी में पीसा जाता है या सिलवटने से भी पीसा जाता है। अब मैं इसे मिक्स करूंगा अच्छी तरह से। हेलो दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, ये हमारी सब्जी है ना पालक की, ज़्यादा गाढ़ी हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी का यूज किया है इसमें, ताकि पकने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमारी सब्जी पक जाए। हेलो दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगा पनीर, कुछ इस तरीके से काट लिया है मैंने, देख सकते हैं पनीर को डाल दिया। मैं इसे हामी की सहायता से इसे मिक्स करूंगा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस भैया ने एसएस किचन वाले ने ये पनीर को फ्राई क्यों नहीं किया, तलाया क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तला के बहुत ही बेकार लगता है। मैंने इसलिए नहीं तलाया है कि एक भैया की रिक्वेस्ट आई थी, मुझे पालक पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए एसएस किचन आज लेकर आई है नई तरीके से पालक पनीर की सब्जी। हेलो दोस्तों हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार है। मैं आपको मैं प्लेट में खोलकर बताऊंगा और देखना आपको कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। गैस को हम बंद करते हैं। तो हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में पालक पनीर की सब्जी को डाल दिया है, खोल दिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है पालक पनीर की सब्जी, खाने में तो बहुत ही टेस्ट आएगा।